आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी अग्निहोत्री और आज की मीठी बात जुड़ी है गुजरात से। गुजरात सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है। गुजरात में आई पिछले महीने भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण किसान काफी परेशान थे, जिसके लिए गुजरात सरकार ने फसल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार 9 जिलों की 45 तहसीलों के किसानों को 350 करोड़ की कृषि सहायता के रूप में देगी। दरअसल जुलाई के तीसरे हफ्ते में राज्य के 9 जिलों, जिनमें जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, आनंद, भरूच, सूरत, नवसारी और तापी में लगातार भारी बारिश के कारण फसलों और खेतों को नुकसान हुआ था, जिसके बाद गुजरात सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वे कराया था। सर्वे के बाद सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई है। बता दें कि विधानसभा में कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा कि 18 से 24 जुलाई के बीच इन 9 जिलों में लगातार भारी बारिश दर्ज हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 4 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलों, बागवानी उपज और आम जैसे पेड़ों को काफी नुकसान हुआ। उन 9 जिलों के 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुए फसल के नुकसान के लिए हमारी सरकार ने एसटीआरएफ के अलावा राज्य के बजट से अतिरिक्त सहायता दी है, जिसके किसानों को हुए नुकसान से थोड़ी राहत मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि किसे कितनी मदद मिलेगी। राहत पैकेज के तहत जिन किसानों को कुल गैर सिंचित खरीफ फसल का 33% या उससे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उन्हें अधिकतम हेक्टेयर के लिए 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी, जबकि सिंचित फसलों के नुकसान के लिए 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि सिंचित फसलें वो होती हैं जिनमें सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। बागवानी फसलों के लिए सरकार ने 33% और ज्यादा नुकसान पर 2 हेक्टेयर के लिए 22,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा तय किया है। 3 या उससे ज्यादा मौसम तक चलने वाली बागवानी फसलों के मामले में मुआवजा 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड की डली।